नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन के वुहान से फैले कोविड 19 के प्रकोप से इन दिनों पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ऐसे में कई देश इस महामारी के वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। दुनिया भर की तमाम लैबों में वैज्ञानिक दिन रात एक कर वैक्सीन को जल्द से जल्द इजाद करने की कोशिशों में लगे हुए। इस बीच अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना ने कोविड 19 की दवा बनाने की उम्मीदें बढ़ा दी। कंपनी ने वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में एक अहम चरण पार कर लिया। खबरों की माने तो कंपनी ने वैक्सीन का इंसानों पर प्रयोग शुरू कर दिया और ह्यूमन ट्रायल के नतीजे भी काफी बेहतर मिले। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आने के बाद जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। अमेरिका से आ रही जानकारी के मुताबिक अब अगर तीसरा चरण सफल रहा तो कंपनी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदन करेगी। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बता दें कि मॉडर्ना पहली दवा कंपनी है जिसने अपनी आरएनए आधारित वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। मॉडर्ना कंपनी आरएनए आधारित वैक्सीन mRNA-1273 के मानव परीक्षणों की घोषणा करने और उसे अंजाम देने वाली पहली अमेरिकी कंपनी थी। कंपनी ने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज NIAID के नेतृत्व में पहले चरण के अध्ययन से अपने वैक्सीन के मानव परीक्षणों के सकारात्मक परिणामों के आंकड़ों की भी घोषणा की थी। फार्मा कंपनी ने कहा कि वैक्सीन mRNA-1273 का असर पहले चरण के परीक्षणों में सुरक्षित और सफल रहा था। पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को 2500 या 250 माइक्रोग्राम की खुराक दी गई थी। प्रत्येक खुराक समूह में 15 लोग रखे गए थे। अंतरिम परिणामों से पता चला कि एंटीबॉडी सामान्य स्तर पर था, जो आमतौर पर उन लोगों के रक्त के नमूनों में देखे गए थे जो कोविड-19 से संक्रमित थे। मॉडर्ना कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बेंसल ने कहा है कि आज के पहले चरण के सकारात्मक आंकड़ों के साथ हमारी टीम जुलाई में तीसरे चरण के अध्ययन को शुरू करने के लिए जितना संभव हो उतनी तेजी से आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही। सफल होने पर लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार अमेरिकी कंपनी ने कुछ आशा जगाई है, जिसको लेकर अमेरिका में खुशी की लहर। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में एक तरह से अच्छी खबर सुनकर ऊर्जा का संचार हुआ है। अब देखना होगा कि कब ये दवा मार्केट में लैंड करती है और कब से इंसानों की जान बचती है।